वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारे सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी का लेसन नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमने बताया कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, मतलब इस सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मेन मकसद क्या है। उसके बाद है मेथोडोलॉजी, जिसमें हमने बताया कि इस सब्जेक्ट के टोटल 45 लेक्चर्स हैं, जिनमें से फर्स्ट 21 जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा मिड टर्म एग्जाम होगा और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे, और फिर 45 लेक्चर्स हमारे फाइनल एग्जाम में होंगे। उसके बाद हमने ग्रेडिंग स्कीम बताई है एंड नेक्स्ट टेक्स्ट बुक्स बताएंगे। दो टेक्स्ट बुक्स हैं, फर्स्ट है अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी एंड द अदर इज नफ्सियात का इर्तिका। ये दो बुक्स हैं। उसके बाद कोर्स ओवरव्यू अप टू मिड टर्म तक बताया गया, और फिर कोर्स ओवरव्यू अप टू फाइनल एग्जाम, ये आप रीड कर सकते हैं। हम यहाँ से पढ़ते हैं एंशियंट फिलोसफी साइकोलॉजी इन द सब कॉन्टिनेंट। जो हमारे कदीम फिलोसफर्स थे उन्होंने साइकोलॉजी को कैसे स्टडी किया ये देखेंगे। साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बॉडी। माइंड और बॉडी को स्टडी करना साइकोलॉजी कहलाता है। अब हम साइकोलॉजी के ये डेफिनेशन पढ़ते हैं इस दौर में। द एंशियंट मैन रिगार्डेड सोल एज समथिंग दैट वाज इनविजिबल एंड रिसाइडेड इनसाइड अ पर्सन। लेकिन जो हमारे कदीम फिलोसफर्स थे उन्होंने सोल को बहुत ज्यादा स्टडी किया, उन्होंने सोल को सबसे ज्यादा तरजीह दी। वो कहते थे कि रूह एक ऐसी चीज है जो इंसान के अंदर पोशीदा होती है, और उनका ये भी कहना था कि जब इंसान सो रहा होता है तो रूह उसके काम करती है, जिसे इंसान ख्वाब की शक्ल में देखता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम वर्ल्ड। नेक्स्ट है, द एंशियंट मैन ऑल्सो बिलीव इन वट इज टर्म एनिमिज्म। वो एनिमिज्म पर बहुत ज्यादा यकीन रखते थे, मतलब चांद सितारों से इंसानों को रिलेट कर देते थे किसी दूसरी चीजों के साथ, एक चीज को किसी दूसरी चीज के साथ रिलेट करते थे ताकि वो आसानी से उसे समझ सके और याद रख सके। द एंशियंट मैन हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन मैजिक, और वो जादू पर बहुत ज्यादा यकीन रखते थे एंड ट्राई टू लर्न एंड अडॉप्ट मैजिकल ट्रिक्स विच वर हिज वे ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर थिंग्स अराउंड हिम। और अपने इर्द गिर्द की चीजों पर कंट्रोल रखने के लिए अपना जादू को सीखते थे और दूसरों को भी सिखाते थे। नीचे भी यही लिखा हुआ कि उस वक्त जादू को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती थी, और जादू का नेगेटिव पर्पजेज एंड पॉजिटिव पर्पजेज दोनों में इस्तेमाल किया जाता। आगे है योगा। एक योगा होता है हम एक्सरसाइज करते हैं फॉर ब्रीथ कंट्रोल एंड डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स के लिए, लेकिन एक योगा होता है जिस पर कदीम फिलोसफर यकीन रखते थे। वो बॉडी और सोल को रिलेट करते थे, जिससे हमारे जिस्म और हमारी रूह दोनों असरअंदाज होते हैं। अगर द एंशियंट फिलोसफी और साइकोलॉजी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एडवांस द बिलीफ दैट कॉन्शियसनेस इज रिलेट टू द ब्रेन, एंड द एंशियंट यूरोपियंस थॉट दैट कॉन्शियसनेस वाज अ फंक्शन ऑफ द हार्ट ऑफ अ मैन। जो कदीम फिलोसफर थे, एंशियंट फिलोसफर थे, वो इस चीज पर यकीन रखते थे कि कॉन्शियसनेस को वो ब्रेन से रिलेट करते थे, लेकिन एंशियंट यूरोपियंस कॉन्शियसनेस को हार्ट का फंक्शन करार देते थे। नेक्स्ट है, दो टर्म्स उन्होंने बताई हैं, मेंटल एंड द फिजिकल लेबर्स। इन दो के बारे में उन्होंने बताया। मेंटल लेबर्स वो होते हैं, मेंटल लेबर्स वाज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड यूजिंग द माइंड टू सॉल्व प्रॉब्लम। वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं। व्हाइल फिजिकल लेबर वाज टू परफॉर्म सर्टेन टास्क फिजिकली। लेकिन जो हमारे फिजिकल लेबर्स हैं वो जिस्मानी तौर पर अपने काम करते हैं, और इसी वजह से वो हमारे मजदूरों को बहुत ज्यादा कमतर समझते थे और अपने मेंटल स्टेटस पर खुद को आलातर समझते थे और कहते थे कि ये स्टेटस हमें विरासत से मिला। आगे फिर उन्होंने नेक्स्ट दो टर्म्स बताई हैं, आइडियलिज्म एंड मटेरियलिज्म। इन्हें यहाँ बहुत ही शॉर्ट बताया गया है, इन्हें हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आइडियलिज्म उन्होंने बताया कि अपने इर्द गिर्द की दुनिया को तसव्वुरी ख्याल करना, कि सब तसव्वुरी समझना, लेकिन मटेरियलिज्म यह कि इस चीज पर यकीन रखना कि कॉन्शियसनेस एंड माइंड जो सब कुछ है दुनिया का वो एक मटेरियल डेवलपमेंट की पैदावार है, मतलब कि तसव्वुरी नहीं है, वो मेटेरियलिज्म कहलाता है, और तसव्वुरी समझना आइडियलिज्म कहलाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।